चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। छोटा सा वीडियो दूंगा महत्वपूर्ण, जो हमने आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताया था कि टनल्स के थ्रू, सुरंग के थ्रू बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आज नहीं, 4 महीने 5 महीने पहले बताया था और तब से आप देखिए 3 बार पाकिस्तान प्रयास कर चुका है। अभी लास्ट प्रयास अभी हुआ है, आप सबने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे, 150 मीटर की एक बहुत गहरी सुरंग ऐसी बनाई गई थी जिसको डेसिफर करना मुश्किल था, पता करना उसका मुश्किल था। उसी में से 4-4 आतंकवादी आए थे यहां पर, जिनके पास इतने खतरनाक हथियार थे कि अगर वो खतरनाक हथियार यूज हो जाते तो जो मुंबई 26/11 हुआ था उससे भी भयंकर कांड होने वाला था। और वो शायद आज के लिए ही आए थे, 26/11 के लिए। ध्यान रखिए, 26/11 को यहां पर बहुत बड़ा रक्तपात करने के लिए उनका यहां पर प्रवेश हुआ था उस सुरंग के थ्रू। तो जब तक कोई घटना घटित नहीं होती हम उस घटना को हल्का समझते हैं, जब घटित हो जाती है तब हम कहते हैं अरे हमारे फोर्सेस ने इसे रोक क्यों नहीं पाया। तो हमें सलूट करना चाहिए अपने फोर्सेस को, जो इतने चौकन्ने हैं, उन्होंने उसको ट्रेस किया, ट्रैक किया और उनको एलिमिनेट कर दिया। तो यह बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो यहां का तंत्र है, फोर्स है, इंटेलिजेंस है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और जो 4 यहां पर यमराज बन के आए थे, जिन्होंने पूरा का पूरा अपना ट्रक इस तरह से एक फैब्रिकेट किया था कि उसको पकड़ना मुश्किल था, नामुमकिन था, और उसमें इतने एडवांस्ड हथियार थे कि उससे इतनी बड़ी तबाही हो सकती थी कि जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते हैं। और आज 26/11 को शायद सबसे बड़ी तबाही होने वाली थी, आज भी फिर भी ये सब होने के बावजूद भी आज हमारे 2 सैनिक वहां मार दिए हैं। इसका मतलब है पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग थे। तो ये टनल जो था, जिसको सुरंग कहते हो, उसके थ्रू जो मैंने आपको बताई थी जो कॉन्स्पिरेसी, वो देखिए उसी तरह से हुई, लगातार हुई, पूरी हुई। हमारे जाके वीडियोज आप देख सकते हो पीछे, जिसमें मैंने काफी ही ये वजन देके कहा था कि अब ये सुरंग के थ्रू भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। और वो आपने बिल्कुल देख लिया होगा कि हां बिल्कुल वैसा ही हुआ। दिखा रहे थे हर चैनल पे, दिखा रहे थे पीछे कि सुरंग का बहुत छोटा मुंह है, उसमें से कैसे आए होंगे, कितने दिनों तक उसमें रहे होंगे। देखिए आप कि दूसरे देश को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरे की शांति डिस्टर्ब करने के लिए, अपने इस तरह के कुकृत्य करने के लिए कितने प्रयास करते हैं लोग, और इतनी लंबी सुरंग खोद के और उसमें बने रहे और फिर यहां प्रविष्ट हुए। वो तो हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने तंत्र का, अपने सैनिकों का, जिन्होंने बीच में ही उनको ट्रैक कर लिया, अदरवाइज बहुत बड़ी तबाही होने का एक चांस था। तो फ्रेंड्स, वो हमारे पास जो खासकर सबसे पहले मेरे पास जो आया था न्यूज, वो आया था न्यूजीलैंड से। आप कितना, आप लोग कितना ख्याल रखते हो, एक एक वीडियो को कितना गहराई से देखते हो। फिर न्यूजीलैंड के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक अपने यूएसए, सब जगह से एकदम रिस्पॉन्स आया कि आपने जो बताया था वो पूरी घटना हो गई। हिंदुस्तान से भी बहुत आई हमारे पास, बहुत रिटर्न्स आए। कई लोगों ने उसी समय, हमने न्यूज नहीं देख पाया, उन्होंने पहले भेज दिया कि देखिए आपने जो सुरंग का कहा था वो हो गया, वो पूरा हो गया। कम से कम 300-400 मैसेज तुरंत आ गए, 1 घंटे के अंदर ही आ गए। तो अब आप समझ सकते हो कि आप लोग हमारे वीडियोस कितने ध्यान से देखते हो और उस पर ध्यान रखते हो। कई बार न्यूज में नहीं देख पाता हूं तो आप लोग बताते हो कि देखो न्यूज में आ गया, ये आपने जो कहा था ये वो हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि वो हमारी पूरी रीडिंग में था, मैंने पूरा उसका विवेचन किया होता तो आप समझ सकते हो। देखो पहले मैंने बताया कि अब चाइना और ये मिलके ये आपके भारत के उत्तर पश्चिम में ये परिस्थिति बना रहे हैं, देखिए कितना बड़ा कांड किया इन्होंने। उसके साथ ही मैंने कहा ये दोनों मिलके एक साथ आएंगे, देखो आए, इन्होंने एक जगह अपना पूरा का पूरा केंद्र बनाया, वहां पर हवाई जहाज और वो सब कुछ इकट्ठे किए हुए हैं, अभी भी किए हुए हैं। हमारे सैनिकों के साथ इन्होंने घात प्रतिघात किया, सब कुछ बताया हुआ था मैंने, उसी क्षेत्र में हुआ, वहीं पर हुआ जो मैंने बताया था। इसके साथ फिर मैंने बताया आपके सुरंगों के साथ कर रहे हैं, इन्होंने टनल्स बनाए हुए हैं, तो देखो वो आपके सामने आ गया, और भी टनल्स बने हुए हैं, विशेष बात आप समझिए, और भी टनल्स इन्होंने बनाए हुए, इन्होंने काफी विस्तृत क्षेत्र में कई टनल्स निर्मित किए हुए हैं। तो ये हमारे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैनिक हमारे पूरा ध्यान रख रहे हैं वहां पर,
और जो इधर आता है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। बात भी ठीक है, देश की जहां पर सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा लगातार, जहां जहां से इन्होंने बना रखे हैं, अगर ये अंदर आ गए तो ये एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं और बताने वाला हूं कि अब इनका अगला किस तरह का सिद्धांत हो सकता है, क्या तरीका ये अपनाने वाले हैं जिससे कि हमारे यहां और ज्यादा ये बड़ा एक जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन कर सकें। मैं आपको अगले वीडियोस में देने वाला हूं, कंपाइल कर रहा हूं उनको भी, आपको बताऊंगा कि अगला इनका कौन सा माध्यम हो सकता है जिसके थ्रू ये हमला कर सकते हैं। याद करिए आप, हमारे अभी वो उत्तर पूर्व वाले जो मैंने बताए हैं वो होने वाले हैं, कुछ हद तक हो भी गए हैं, कुछ होने वाले हैं। उत्तर पूर्व जो क्षेत्र था असम वाला, पीछे के वीडियोज आपने देखे होंगे, वो भी होने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको और ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज देने वाला हूं, जो आपको 2021 भी आ रहा है उसके बारे में भी देने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज देता हूं, फ्यूचर के बारे में देता हूं। पहले बता देता हूं कि हाँ, अब यह होने वाला है। जैसे कि आप सुरंग के बारे में समझ सकते हो, एक नहीं चार, तीन चार घटनाएं हुई, और यह मैंने लगभग चार पांच महीने पहले दे दिया था, डेट्स मैंने नहीं उसकी लोकेट की है, आप जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने सभी नियर एंड डियर फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए इस अपने चैनल से, क्योंकि यह चैनल यूनिक है, तो आपको विशेष तरह की घटनाएं पहले ही बता देता है, एडवांस बता देता है। तो ये चैनल, अभी आपने वीडियो देखा उसके बहुत बहुत धन्यवाद, अगला वीडियो जल्द ही मैं देने वाला हूं, तब तक जुड़े रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।